वसुदेव सुतम देवम कंस चाणुरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। सम्माननीय समस्त बहने भाइयों, युवा शक्ति, मातृशक्ति, पशुपतिनाथ की नगरी काठमांडू से मैं जय किशन सालडा आप सभी का मैश्री विचार मंच की इस नई श्रृंखला में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस YouTube के चैनल के माध्यम से एक नई श्रृंखला को प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है चेंज विद द चेंज, अर्थात परिवर्तन के साथ हम अपने आप को किस तरीके से परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि हमारा ये प्रथम संस्करण है तो हमारा ये प्रयास है कि प्रथम संस्करण में हम पहले भगवान महेश की पूजा करते हुए, अर्चना करते हुए और पूजा और मंदिर से संबंधित विषयों को आज हम लेना चाहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग घरों में पूजा किया करते हैं, ज्यादातर घरों में काफी जगह पे शिवलिंग भी बसे बैठाए हुए हैं, कई लोगों ने अपने घरों में विभिन्न किस्म की मूर्तियां रखी हुई है और अपने अपने तरीके से सभी लोग पूजा करते हैं और उस पूजा घर के अंदर में सिवाय परिवार के सदस्यों के और किसी का हाथ लगाना नहीं होता है, ज्यादातर जो अमूमन देखा गया। इस लॉकडाउन के पीरियड में भी हम लोगों ने काफी अच्छी पूजा की क्योंकि घर में इसके अलावा कोई काम भी नहीं था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला तो सबसे पहले याद आया कि भाई मंदिर तो चलना चाहिए, और जब मंदिर चलने की श्रृंखला में हम आगे बढ़े तो कुछ मैंने जो अनुभव किए मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि आदमी मंदिर क्यों जाता है। जहां तक मेरी समझ है मंदिर आदमी इसलिए जाता है कि मंदिर एक ऐसे लोकेशन में बना होता है, मंदिर की जो मुख्य मूर्ति होती है और उसका जो गुंबद होता है वो एक ऐसे वास्तु के दृष्टिकोण से और पूरी मंदिर की जो संरचना होती है उसमें एक पावर होता है। जब आदमी उस जगह जाता है तो उसको ऑटोमेटिकली मतलब जो है मंदिर की एक शक्ति प्रदान होती है, ऐसा हम सभी लोगों का मानना है। अब कोरोना की वजह से ये हो गया कि अब मंदिर में तो जाना है लेकिन हम किसी चीज को हाथ नहीं लगाए। तो पहले दिन हमने क्या अनुभव किया, हमारा पूर्व अनुभव ये था कि हम मंदिर में जाते थे, शंकर भगवान के लिंग को हम दूध चढ़ाते थे, दही चढ़ाते थे, अपने हाथ से सफा करते थे और पूजा विधि विधान से करने का प्रयास करते थे और लोगों की भीड़ भी उतनी उमड़ के आती रहती थी तो स्वाभाविक है कि एक के ऊपर एक गिरने की प्रक्रिया चलती रहती थी। अब कोरोना के बाद में ये हुआ कि भाई हमें मूर्ति को हाथ नहीं लगाना चाहिए नहीं तो उससे कोरोना का इफेक्ट आ जाएगा, हमें घंटे को हाथ नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसको घंटे का इफेक्ट आ जाएगा। तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि अगर हम उस मूर्ति को हाथ ना भी लगाते हो तो भी हमारी आत्मसंतुष्टि में कहीं कोई कमी नहीं आ रही है। पहले परिवर्तन से पहले जरूर मुझे लगता था और मेरे भीतर में आत्मसंतुष्टि नहीं आ पाती थी, लेकिन अब मुझे पूर्णतया आत्मसंतुष्टि प्राप्त हो रही है। अब आगे आने वाले समय में अगर हमें प्रयास करें कि हम मंदिरों में जाएं और बिना किसी को हाथ लगाए सिर्फ भगवान के दर्शन करके अगर वापस आते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें हर एक दृष्टिकोण से आत्म शांति मिलेगी। और कोरोना के पश्चात तो ये अत्यंत जरूरी हो जाता है कि हम इस बात को हर हालत में पालन करें। तो इन्हीं भावनाओं के साथ में मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हम मंदिरों में जाएं और इस प्रक्रिया को अपनाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आज के इस एपिसोड में हमने मंदिर की और पूजा की चर्चा की, अगले सप्ताह हम फिर किसी अन्य विषय के साथ में आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे।
आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। धन्यवाद।